गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से हिली पड़ी है। इसीलिए सोनी को तो कोई चांस ही नहीं मिला यार किसी भी इवेंट को अटेंड करने का या अपने कंसोल से कंसर्न कुछ भी रिवील करने का, लेकिन मौके का फायदा उठाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर सब कुछ रिवील कर दिया है, जो एक एक करके हम आपको सब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं रिलीज डेट से कंसर्न, की जो भी लोग डाउट में है कि नेक्स्ट जन कंसोल इस साल रिलीज हो भी जाएगा या नहीं हो पाएगा, तो हम आपको बता देते हैं। नोनी जी, क्या कहा है माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली, वो बताइए आप। एक्चुअल कंसोल डिले नहीं होगा, ये हॉलीडे 2020 में ही रिलीज होगा। जो फॉरेन का हॉलीडे होता है वो हमको, हमने आपको बताया नवंबर, ब्लैक फ्राइडे। दोस्तों, आप एक तरह से ब्लैक फ्राइडे या क्रिसमस का कह सकते हैं, बिल्कुल वही हॉलीडे होता है उनका। तो आपको ये नवंबर, जो लास्ट ईयर, तो मतलब लास्ट जब जेन कंसोल रिलीज हुआ था एक्सबॉक्स वन, तब वो हुआ था 15 नवंबर 2013 में। तो मुझे लगता है उसी के आसपास ही ये रिलीज कर देंगे, क्योंकि इनकी पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यू जो है बहुत ज्यादा लॉस में चली जाएगी अगर ये ज्यादा लेट करेंगे उस चीज को। तो बिल्कुल गाइस, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सीरीज एक्स के साथ एक ब्रांड न्यू वायरलेस कंट्रोलर भी रिलीज होने वाला है, जिसकी पिक आप ये देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये कंट्रोलर देखने में। और यहाँ पर नोनी जी, जो उसका लुक है, कहीं ना कहीं गूगल स्टेडिया के कंट्रोलर को भी इंडिकेट करता हुआ दिखता है, जो उसमें शेयर बटन दिया हुआ था अलग से। और यहाँ पर दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से आप एक्सबॉक्स वन में अपनी वीडियो को पूरी कैप्चर नहीं कर पाते थे, उसकी एक लिमिट होती, तो यहां पर आप अनलिमिटेड वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं और उसे अपने दोस्तों के साथ किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं अपने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से। अरे वाह, इसके साथ ही सीरीज एक्स तीन चीजों में सबसे आगे है, दैट इज स्पीड, पावर एंड कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी के लिए दोस्तों, मैं यहां बता दूं आपको कि जैसे प्लेस्टेशन 5 की जो बात की जा रही है, उसमें PS4 ही कंपैटिबल होगा, और PS1 से PS3 की जो गेम होगी, या तो वो आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी में एक तरह से प्रोवाइड की जाएंगी, और फिजिकल डिस्क शायद वहां पर नहीं आपकी सपोर्ट करें। लेकिन यहां पर एक्सबॉक्स सीरीज एक्स जो है, एक्सबॉक्स से लेकर एक्सबॉक्स 360, एक्सबॉक्स वन, सबको फिजिकली भी, मतलब फिजिकली डिस्क के थ्रू भी और ऑनलाइन भी पूरी तरह से मतलब उसे सपोर्ट करेगा। और आप कोई भी अपनी पुरानी गेम की डिस्क उठाकर लोकल मत लगाइएगा, क्योंकि एक्सबॉक्स 360 में लोकल डिस्क भी आती थी। तो ओरिजिनल कोई भी गेम की आप डिस्क लगाएंगे तो वो आपकी स्मूथली प्ले हो जाएगी विद इन सेकंड। और गाइस, इसके साथ ही हम सभी जानते हैं इसमें ग्राफिक्स की बात करें तो 4K 60 FPS होंगे, बट हम ये नहीं जानते कि न्यूली डेवलप्ड ट्रिपल ए टाइटल्स जो हैं वो 120 FPS पर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, जितने भी आप गेम प्ले आप देख रहे होंगे उसकी काफी फास्ट मूवमेंट होती है, जिस वजह से 60 FPS के अंदर फ्रेम ड्रॉप होने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक्सबॉक्स ने क्लियर किया है कि जो भी उसके हेलो इन्फिनाइट हो गई और भी जो अपकमिंग गेम्स आ रही है, स्पेशली साइबर पंक के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि वो भी आपकी 4K 120 FPS सपोर्ट करेगी एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में। और ये भी बता रहा ना वो कि उसके जो इमेज रिकॉग्नाइजिंग टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है, उसकी वजह से ग्राफिक्स जो उसके प्रीवियस जनरेशन कंसोल है ना, उसके उससे 4 times ज्यादा पावरफुल होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, वैसे भी नोनी जी वो फुल HD था, तो 4:10 तो ऑब्वियस सी बात है 4K 4000 पिक्सल होता है। तो 4000 पिक्सल कहना आसान है, लेकिन जब एक एक पिक्सल को आप अलग से काउंट करके देखोगे तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। और जो भी ब्राइटनेस की प्रॉब्लम रहती थी कई गेम्स में, हमें बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता था या बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती थी, उस तरह की प्रॉब्लम हमें यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ी। और आप भी सोच नहीं सकते कि ये रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करेगा। तो रे ट्रेसिंग तो नोनी जी ऑब्वियस सी बात है, जब वो PS5 सपोर्ट करेगा तो एक्सबॉक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, तो मतलब मैं एक्सबॉक्स वन को भी आज कहता हूँ कि PS4 कहीं ना कहीं हमारा जो स्लिम मॉडल है वो हैंग होने लगता है। अगर आपके पास बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है तो टाइम लग जाता है कई बार, और हमें भी गेम लोडिंग करने में, डाउनलोड करने में। लेकिन एक्सबॉक्स वन में आज तक लिटरली बता रहा हूं कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ी, और उसका हार्डवेयर उससे फार बेटर है, मतलब बस गेम की वजह से वो मार खा गया, ये बात सच है। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 8 कोर AMD जनरेशन 2 CPU एंड N RDNA सेकंड क्लास GPU ये मिलने वाला है इसके अंदर। तो नोनी जी, ये आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत ही हाईली कॉन्फ़िगरेशन है। और वैसे तो देखिए RTX 2080 Ti तक भी मार्केट में चीजें आती हैं, लेकिन जिन गेमर्स का या जिन लोगों का बजट नहीं होता वहां तक पहुंचने में, तो अगर ये 50,000 तक का भी, मुझे लगता है कि अगर रिलीज होता है इसका जो प्राइस है, अगर वो इतना भी रखते हैं तो 50,000 में इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई भी PC नहीं मिलने वाला। कम से कम उसके लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो ये कॉन्फ़िगरेशन अपने कंसोल में दे रहा है।
और गाइस इसके साथ ही इसमें 1 TB NVMe SSD होगी। इसमें बैक साइड पर एक मिस्टीरियस पोर्ट भी दिया गया है और इस पोर्ट का यूज ये है कि उसमें आप स्टोरेज कार्ट्रिज लगा सकते हैं। ये कार्ट्रिज कंपनी रिलीज करेगी और आप इससे स्टोरेज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि जो लोग सोच रहे थे कि जो नेक्स्ट जन कंसोल होंगे SSD तो हम सबको पता था कि इसमें आएगी, लेकिन SSD को कितने GB में वो देंगे, क्योंकि अगर अगर वो ज्यादा मतलब टेराबाइट की SSD लगाते हैं तो उनका बजट भी ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा, क्योंकि SSD बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो यहाँ पर 1 TB तो हमें पता ही था कि होगी होगी मिनिमम, क्योंकि जब गेम ही आपको 150-200 GB वाली मिलेंगी खेलने को, तो ऐसा तो नहीं है कि 4-5 गेम भी आप अपने कलेक्शन में ना रख पाओ अपने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में। तो यहाँ पर 1 TB तो आपको बेसिक मॉडल में मिल रही है। साथ ही कंपनी ने यह भी क्लियर कर दिया कि जो भी आप अलग से उसके चार्जेस लगेंगे, जो वो कार्ट्रिज की बात कर रही है कि पीछे उसमें पोर्ट पहले से दिया हुआ है, क्योंकि सभी को पता है ये बात कि 1 TB भी SSD में बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे प्लेस्टेशन 4 में 500 GB की हार्ड डिस्क। अच्छा, इसीलिए एक्सटेंडेड स्टोरेज भी अटैच कर सकते और हैं। लेकिन ये हार्ड डिस्क टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं होगी जो नॉर्मल होती है। एक तो देखिए तरीका ये होता है, जैसे हमने अपने प्लेस्टेशन 4 प्रो में कराया हुआ है कि उसकी 1 TB की SSD निकलवाकर 2 TB की उसमें इंपोर्ट करा रखी है, लेकिन आप उसके अलावा यहाँ पर कंपनी ने एक अलग से फीचर ये दे दिया कि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को उसमें अटैच कर सकते हो, और वो भी हार्ड डिस्क क्या है कि नॉर्मल साइज की नहीं होगी। तो ये खुद स्पेशली इसके लिए डिजाइन की जा रही है, जिसके लिए ऑब्वियसली बात है कि आपको अलग से पैसा खर्च करना होगा और मार्केट से परचेज करनी होगी। तो वो 2 TB और 4 TB तक के भी आपको वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। तो एक्सपेंसिव तो नॉनी जी होगी, ये बात तो सच है, लेकिन फिलहाल के लिए 1 TB में भी काम चल सकता है। अगर इस नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गियर्स 5 इसके साथ लॉन्च होगी ऑप्टिमाइज होकर, मतलब इसके अंदर फुल अल्ट्रा सेटिंग्स होगी जिस पर गेम चलेगी और आप इसे PC की तरह ही ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों एक्सबॉक्स सीरीज एक्स जब उसके बारे में शोकेस किया गया था, बताया गया था, तभी कंपनी ने ये बात रिवील कर दी थी कि आप एक तरह से बिल्कुल मिनी PC मान सकते हैं, और ये जो आपका PC पे आप मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं वो उस पर आप कर पाएंगे। तो उसी तरह से आपने देखा होगा कि जो भी हम गेम PC पर खेलते हैं उसमें बहुत सारी चीजों को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तरीके से कि आपको किस रेजोल्यूशन पे गेम को सेट करना है, उसे कितने फ्रेम रेट पर चलाना है। तो उसी तरह से यहां पर Xbox Series X में भी आपको काफी सारे वेरिएंट ऑप्शन मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जैसे बताया कि Gears 5 उसका लॉन्चिंग टाइटल होगा, तो हेलो इन्फिनाइट के बारे में पहले बताया जा रहा था, लेकिन अब कंपनी ने यह बात क्लियर कर दी कि हेलो इन्फिनाइट आपको बैकवर्ड कंसोल पे भी और साथ ही PC पर भी रिलीज होगी गेम, तो कोई एक्सक्लूसिव टाइटल नहीं होने वाला वो। तो इसलिए कंपनी उसके साथ साथ यहाँ पर Gears 5 भी आपको देगी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ। ओके, तो ये एक बात बता देती हूँ, HDMI 2.1 सपोर्ट करेगा, जो कि 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करेगा। तो नोनी जी जो 120 रिफ्रेश रेट है ये फ्रेम उसकी बात की जा रही है, ये HDMI का पोर्ट होता है गाइस, आपको पता होगा जैसे हमारे चार्जिंग केबल होती है Type-C है, तो उससे जल्दी चार्ज हो जाता है हमारा फोन, जो प्रीवियस वाले चार्जर्स है ऐसे इनका एडवांस वाला HDMI। बिल्कुल HDMI अभी जो हम यूज कर रहे हैं PS4 में वो 2.0 है। हाँ। तो अब USB में हम लगा सकते हैं कि जैसे अगर आपका 3.0 होता है पोर्ट, तो उसमें हमारी जो स्पीड आती है 80-90 MBPS तक आ जाती है। तो सेम आप ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रेम रेट है वो बहुत ही फास्ट आने वाले हैं। इसके अंदर प्रीवियस ऑल जनरेशन की गेम भी सपोर्ट करेगी, हमें पता है क्योंकि बैकवर्ड कंपेटेबल है। साथ में बोला है कि क्रॉस जनरेशन फीचर्स भी है इसके अंदर, मतलब राहुल जी एक्सबॉक्स से आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन खेल सकते हैं, ये तो पहले भी था शायद। नहीं नहीं नोनी जी, यहाँ पर जो ये क्रॉस जनरेशन फीचर्स की बात की जा रही है, जैसे मैंने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स परचेज कर लिया और आपके पास एक्सबॉक्स बनी है, अच्छा जेनरेशन यानी प्रीवियस वाली खेल सकते हैं, जैसे 360 से भी कर सकते हैं। 360 तो शायद नहीं होगा, क्योंकि कारण क्या है उसका, 360 में इतनी ऑनलाइन चीजें नहीं थी जितनी एक्सबॉक्स वन में है। okay. और जैसे हम पार्टी बनाकर खेलते हैं, अब जैसे मैं वही बात कह रहा था कि मैंने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स परचेज कर लिया और आपके पास एक्सबॉक्स वन है, और हम गियर्स 5 का एग्जांपल ले लेते हैं कि गियर्स 5 आपको और मुझे मल्टीप्लेयर खेलना है, तो हम एक ही पार्टी बनाकर खेल सकते हैं, यानी कि आपको ये फील नहीं आएगा कि आप गरीब हो। एक्सबॉक्स का एक S, X ऐसे वाले भी थे, वो भी चलेंगे सारे। नोनी जी वो वन की तो वेरिएंट है ना। हाँ, वन के जितने वन भी के बच्चे हैं वो सारे बच्चे साथ में, सब बच्चे चलेंगे, सब पोते नाती सब भागेंगे दौड़ेंगे। लेकिन यहाँ 360 और एक्सबॉक्स की बात मत करो, कहते हैं मेरे घुटने जवाब दे, मेरे घुटने जवाब दे। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो आपको जरूर बताइएगा, वैसे स्पेसिफिकेशन इनमें से बहुत सारे हमने आपको पहले भी बताए हुए थे, लेकिन आज की वीडियो में कहते हैं ना सभी का सार है एक तरह से। और दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ने क्या ऑफिशियली अब पूरी तरह से डिक्लेयर कर दी है चीजें, तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला। और प्राइस की जाते जाते आपको ये भी बता दें कि जैसे मैंने बताया वीडियो में कि 50,000 के अराउंड हमें लगता है कि इसका प्राइस रहने वाला है, और प्लेस्टेशन 5 तो पता नहीं अपनी चीजों को कब रिवील करेगा। और वैसे बताया तो ये भी जा रहा था कि एक्सबॉक्स की चीजों का ही वो वेट कर रहा था कि इसका पहले सारा कुछ चिट्ठा खुल जाए हमारे आगे, तब हम अपने पत्ते निकाले। तो अब देखते हैं यार, लेट्स सी, वेट एंड वॉच कि आप PS5 इसके बाद अपना कौन सा धमाका करेगा। गाइस
इसके साथ ही वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।